नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 और 23 फरवरी के आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी अष्टमी बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरीके करें। तो आइए दोस्तों, उसके साथ बात करते हैं यश में। ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्रेडिट कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। दोस्तों, 22 फरवरी की बात करें तो दोस्तों ये दिन मंगलवार का दिन रहेगा। कृष्ण पद की षष्ठी तिथि रहेगी और स्वाति नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों, दिन योग की बात करें तो दोस्तों ये दिन वृद्धि नामक शुभ योग और ध्रुव नाम का शुभ योग रहेगा। राहु काल के समय शाम के 3:31 से लेकर शाम के 4:57 रहेगा और दोस्तों चंद्रमा इस दिन तुला राशि पर संचार करेंगे। वही दोस्तों, अगले दिन की बात करें अर्थात 23 फरवरी की तो दोस्तों इस दिन बुधवार का दिन रहेगा। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि विशाखा नाम का नक्षत्र और साथ ही ध्रुव नाम के योग के उपरांत व्याघात नाम का शुभ योग और हर्षण नाम का शुभ योग रहेगा। जय दोस्तों, राहु काल के समय दिन दोपहर के 12:40 से लेकर दोपहर के 2:06 रहेगा और दोस्तों चंद्रमा दिन तुला राशि के उपरांत वृश्चिक राशि में संचार कर जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं दोनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यह समय उमंग, सच्ची आध्यात्मिकता, बौद्धिक और नैतिक विकास का समय होगा। पिछले महीने आपके जीवन में जो है कई उतार चढ़ाव आए थे और दोस्तों यह समय आपको अपने अस्थायी मूल्यों के बारे में जानकारी मिलेगी। दोस्तों, याद रखें, आशीर्वाद चेतना और विवेक का परिणाम है जो आध्यात्मिकता और विश्वास से मिलता है। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो दोस्तों सहजता और जोखिम लेने की इच्छा आपको आश्चर्यचकित कर सकती है। ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, यह बहुत ही चंचल अवधि है जब आप रचनात्मक और भावनात्मक रूप से प्रेरित होंगे। ये जो समय होंगे, अब आप जीवन में जोखिम लेने के इच्छुक होंगे। इन दिनों में जोखिम लेने से आपको बचना चाहिए क्योंकि ये या किसी खतरे या फिर दुर्घटना का कारण बन सकता है। साथ ही दोस्तों, इन दिनों में आपके लिए अपनी योग्यता पर भरोसा रखने का समय होगा। आपके सामने कुछ चुनौतियां इन दिनों में आ सकती है जो थोड़ी मुश्किलें पैदा करेंगी, लेकिन आप कामों को परिणामों को लेकर जो है निश्चित रह सकते हैं। आपके लिए ये जो दिन होंगे, अपनी जो है पूरी ऊर्जा को सकारात्मक बातों में लगाने और उसका पूरा उपयोग करने में लगाएंगे। आपको ज़्यादा देर जो है लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर काम करने से इसमें बचना होगा। दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, आपके करियर के मामले में, काम के मामले में दिन तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बिना तनाव जो है काम को आप पूरे कर सकते हैं, इसका जो है संकेत मिल रहा है। आपकी क्षमताएं और गुण परे आकर्षण में है और आप लंबे समय से अटके कार्यों को जो है इन दिनों में पूरा करने में सफल होंगे। दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपके या फिर आपके पार्टनर को इस समय प्रभावित करेंगे। आपके और आपके साथी को भी जो है अभी ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आपके प्यार को जो है आजमाया जा रहा है। दोस्तों, इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे, आप जो है अपने साथी के साथ किसी मांगलिक आयोजन में हिस्सा ले सकते हैं। दोस्तों, इन दिनों में इस हिस्सा का आपको जो है मौका मिलेगा, तो आप इनमें ज़रूर सहभागिता करें। साथ ही दोस्तों, इसमें अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो आपके लिए ये जो दिन है आत्मविश्वास से भरा रह सकता है। आप खुद में ऊर्जा का प्रवाह जो इन दिनों में महसूस करेंगे। दोस्तों, यश में आपका आरोग्य अच्छा रहेगा और आप जो है अपनी सेहत को लेकर ज़्यादा सतर्क रहेंगे। दोस्तों, इन दिनों में आपका भाग्यशाली अंक रहेगा 5 और भाग्यशाली रंग रहेगा हरा। वही दोस्तों, यश में गणेश जी कहते हैं कि आपकी कठोर वाणी किसी की भावनाओं को आहत करेंगी। इसका कारण उस व्यक्ति के प्रति आपकी ईर्ष्या जो है हो सकती है, जबकि बाद में आपको उसके लिए पछतावा होगा। और दोस्तों, इन दिनों के शाम का समय में शायद जो है उसके लिए क्षमा भी आप मांगेंगे।
दोस्तों इन दिनों में सायंकाल के बाद निराशा के बादल जो है समाप्त होते हुए प्रतीत होंगे। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों यशस्वी ऑफिस में आपका उत्साह जो आपके रूटीन के काम को आसानी से पूरा करने में आपकी मदद करेंगी। हालांकि आप लंच के बाद जो है ऊब महसूस कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों शाम को आप जो है और अधिक चुनौतियां लेने के लिए तैयार रहेंगे। हालांकि दोस्तों आपको जटिल चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, बल्कि गणेश जी कहते हैं कि ये जो समय होंगे आपके लिए ऐसे काम करने से आपके लिए बेहतर होगा जिन्हें आप पूरा जो है आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों ये समय अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे आप रोमांटिक कनेक्शन के लिए तैयार रहेंगे। यदि आप पहले से किसी के साथ रिश्ते में हैं तो इसके विकसित होने की इन दिनों में पूरी उम्मीद है। इस तरह दोस्तों गणेश जी आपको ये जो दिन है आपके पारिवारिक जीवन के लिए सकारात्मक होने की भविष्यवाणी करते हैं। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे आप उचित संसाधन खोजने में सक्षम होंगे जो आपको पैसा दिला सकते हैं और जो आपके प्रोजेक्ट में आपकी जो है सहायता कर सकते हैं। इन दिनों में आप सही समय पर सही लोगों से मिलने वाले हैं और आप सही अवसर का जो है लाभ उठा पाएंगे। साथ ही दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे आपका उत्साह इन दिनों में बना रहेगा, लेकिन आपको अपने जोश को जो है कुछ क्रिएटिव कामों में बदलने की आवश्यकता हो सकती है, अन्यथा क्रोध आपके मूड और दिन दोनों को ख़राब कर सकता है। घर पर दोस्तों जिम या फिर शारीरिक व्यायाम शुरू करने के लिए ये जो इन दिनों में दिन होंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन होगा। दोस्तों यश में आप जो है धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपकी समझदारी और प्रयास जो है आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। दोस्तों इन दिनों में दिन शुरुआत में भले ही अच्छे हो, लेकिन शाम के बाद जो समय होगा आपके लिए किसी की वजह से आपका धन खर्च हो सकता है जिससे आप परेशान होंगे। दोस्तों इन दिनों में आपको अपने जीवन साथी का सेहत और तनाव जो है चिंता का कारण बना सकती है। दोस्तों प्यार की ताकत आपको प्यार करने की वजह देती है। आपका दिमाग कामकाज की उलझनों में फंसा रहेगा जिसके चलते आप परिवार और दोस्तों के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। साथ ही दोस्तों यश में आप महत्वपूर्ण लोगों के साथ बातचीत करते समय जो है अपनी वाणी पर संयम रखें और अपने शब्दों को जो है गौर से सुने। जीवनसाथी के साथ इन दिनों में थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ी छेड़छाड़ आपको जो है किशोरावस्था के दिनों की याद दिला देंगे। दोस्तों यश में हरे रंग की बोतल में गंगा जल भरकर किसी पीपल के पेड़ के पास जो है दबाने से फैमिली लाइफ जो है अच्छी रहेगी, तो आप इन्हें जरूर कीजिएगा। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें, यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है तो दोस्तों अगर संभव हो तो उसे सोमवार को डॉक्टर को न दिखाएं और उसकी दवा की पहली खुराक भगवान शिव को अर्पित करके कुछ राशि भी चढ़ा दें और रोगी व्यक्ति के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करें। इनसे दोस्तों व्यक्ति के बहुत ही जल्दी ठीक होने की संभावना बन जाती है। साथ ही दोस्तों हर पूर्णिमा को किसी भी शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ से अपने परिवार को निरोग रखने की प्रार्थना भी आप जरूर रखें। तत्पश्चात मंदिर में और गरीबों में कुछ ना कुछ फल या फिर मिठाई या फिर नगद राशि भी आप दान कर सकते हैं। जितना आपसे हो सके यश में आप दान कर सकते हैं, इनसे भी दोस्तों आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों यश में आप इन उपायों को जरूर करें, ये आपके लिए लाभकारी और भाग्यशाली रहने वाले हैं।